नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के सिनेरियो के बारे में, जैसे कल मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, और इसमें हम ऑप्शन के स्ट्रेटेजी को भी इसमें डिस्कस करेंगे। कैसे हम ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट पता करते हैं कि मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, साथ ही साथ जो डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, और जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पैटर्न है, उससे हम जानेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से करेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था 11,775 इसके ऊपर जो ओपन हुआ था, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और सेम डे ये जो फॉल किया 11,775 से 11,335 तक, इतना बड़ा फॉल था। उसके बाद जैसे एक बहुत बड़ा फॉल होता है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन होता है, मतलब जो गिरावट आया था तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम देखने मिला, और फिर यहाँ पर देखते हैं एक शार्प गिरावट आया यहाँ से। तो यहाँ पर इसमें आप बहुत सारे पैटर्न लगा सकते हैं, बहुत सारे इलियट वेव लगा सकते हैं। इलियट वेव देखिएगा तो ये आपको एक आर्म हुआ, ये दूसरा आर्म हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा, तो कंप्लीट हो गया। तो इस अनुसार से देख सकते हैं यहाँ पर जो अब जो हमारा ये है बुलिश, मतलब यहाँ पर बुलिश व्यू बना है। अब जो कल जो मार्केट होगा वो पॉजिटिव ओपन होगा, ये हम कैसे कहें, क्योंकि ग्लोबल जो मार्केट है अभी ग्लोबल मार्केट के साथ ज़्यादा हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो कनेक्टेड है। साथ साथ हमारा इंडिया और चाइना का जो टेंशन है वो भी इफेक्ट डालता है, और साथ साथ यहाँ जो एक थोड़ा सा करेक्शन था वो भी पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,700 से ये हमारा कहाँ तक आया, 11,200 तक, तो 500 पॉइंट का यहाँ पर करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद आपको कल मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है, तो कल आपको मोमेंटम इसमें हो सकता है कि देखने मिले। अगर हम यहाँ पर देखें, जब इसमें गिरावट आया था निफ्टी 7500 आया था, तो वहाँ से देख सकते हैं इस कुछ इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन है, देख सकते हैं इस बॉटम को बार बार ये टच किया और ये ऊपर चलता गया, और ऊपर का भी देख सकते हैं इस लाइन को ये टच करता था जब हाई बना रहा था, तो यहाँ से चलते चलते जैसे ही इस हाई को यहाँ टच नहीं किया तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला। तो अब जो आप बात करेंगे कभी भी निफ्टी 7500 आपको देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सब तो आने वाले समय पर डिपेंड करता है कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा। लेकिन अभी की बात करें तो कल आपको मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है, क्योंकि अगर इलियट वेव आप यहाँ पर लगाएंगे, चाहे नॉर्मल भी व्यू दिखाएंगे कि इतना ज़्यादा करेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा मोमेंटम तो बनता ही है। साथ साथ आज जो ग्लोबल मार्केट है वो भी थोड़ा पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा मोमेंटम कल पॉजिटिव में देखने मिल सकता है, या हो सकता है कल मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज भी रह सकता है या मोमेंटम भी आपको दे सकता है। उसके बाद हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी काफ़ी गिरावट आया, देखते हैं 25,000 के लेवल से गिर करके ये आ गया हमारा 22,100 के लेवल तक। तो निफ्टी बैंक में काफ़ी बड़ा गिरावट आया यहाँ पर, इसमें भी इलियट वेव आप लगाएंगे तो देखिए 1 आर्म 2 आर्म 3 आर्म ये 4 ये 5 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक नया ट्रेंड चालू होगा जो कि लास्ट में ये भी सिग्नल दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 आवर का चार्ट है, तो लास्ट 1 आवर में ये ऊपर की ओर अपना ट्रेंड बनाया है और ग्लोबल मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, और इतना बड़ा गिरावट आया तो थोड़ा सा इसमें मतलब तेज़ी तो बनता ही है। तो हर जब हम देखते हैं ऊपर लगातार ट्रेंड बनता है तो थोड़ा सा करेक्शन नीचे की ओर होता है, उसी तरह से जब नीचे गिरावट होगा थोड़ा सा ऊपर की ओर करेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी अपना ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता था, एक बार इस ट्रेंड लाइन को सिर्फ ब्रेक किया था, तो ये जो यहाँ पर गिरावट आया था तो ये 16,000 देखते हैं 16,500 के आसपास आ चुका था, 16,500 से जो यहाँ पर तेजी आया तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था। फिर से यहाँ से थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को ये देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक आज किया था, आज ब्रेक किया था, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर जो सपोर्ट को ये ब्रेक किया, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अगर कल ये सस्टेन करता है नीचे, इस सपोर्ट के नीचे टिका रहता है, तो निश्चित है कि आप इसमें थोड़ा सा और गिरावट दे सकते हैं, या तो कल ये यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट को ब्रेक किया, हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो तो कल आपको इसमें तेज़ी देखने मिल सकती है। ज़्यादातर जो ग्लोबल मार्केट है वो दिखा रहा है कि कल आपको इसमें एक तेज़ी देखने मिलेगा, तो ये सपोर्ट जो है वो बना रह जाएगा, सपोर्ट टूटा नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट के नीचे ब्रेक करने की कोशिश किया तो वो आपका हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट से आपने देखा, तो प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स हम भी फॉलो करते हैं जैसे RSI,
साथ ही साथ बॉलिंजर बेंट को भी फॉलो करते हैं जो एडीएक्स है। तो जैसे जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं तो वैसे वैसे आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाएंगे कैसे हम एनालिसिस करते हैं और कैसे आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन चेन के माध्यम से देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए ये निफ्टी का हमारा ऑप्शन चेन है, तो जो आज जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, तो निफ्टी 50 का क्लोजिंग प्राइस आपने आज देख लिया 11,285 है। और यहाँ पर जब आप आते हैं ऑप्शन चेन पर 11,285, तो यहाँ पर आप देखते हैं 11,300 का है, यहाँ पर 11,350। इसके मतलब ये एटीएम हो गया, एटीएम होता है कि जहाँ पर जिसके आसपास हमारा अभी निफ्टी है, तो ये एटीएम हो गया। और यहाँ पर ये जो कॉल है हमारा, ये हो गया इन द मनी और ये हमारा हो गया आउट द मनी। तो इधर जितना भी पुट राइटिंग होगा यहाँ पर आप ये जो आपको एटीएम है, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है जिसके आसपास है, तो 300 के आसपास है, इसके ऊपर जो भी यहाँ पर कॉल राइटिंग होगा वो रेसिस्टेंस का काम करता है। सिंपल भाषा में समझिए कि जो हमारा कॉल राइटिंग होता है वो रेसिस्टेंस का काम क्यों करता है, तो क्योंकि यहाँ पर जो सेल किए हैं, जो भी यहाँ पर कॉल को सेल किए हैं, वो चाहते हैं कि निफ्टी जो है उनके इस लेवल को ब्रेक नहीं करे, इसीलिए उन्होंने सेल किया है। तो सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ पर जो भी सेल किए हैं वो सोचते हैं कि निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं करे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कॉल को सेल किया है, मतलब कॉल को राइट किया है। और जो पुट को राइट करते हैं वो सोचते हैं कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करे, तो नीचे के लेवल को ब्रेक नहीं करे तो वो सपोर्ट का काम करता है, ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं करे मतलब वो रेसिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखिए तो चेंज इन OI ओपन इंटरेस्ट, मतलब जो राइटिंग में चेंज आया है, तो ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आया है सबसे ज़्यादा है 11,200, मतलब 11,200 पर जो पुट राइटर है वो इसे सपोर्ट के रूप में देखता है, ये ब्रेक नहीं होगा और कल एक्सपायरी है तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो जो भी पुट राइट यहां पर किए थे वो उनका पूरा का पूरा 100% इनकम हो जाएगा अगर 200 को ब्रेक नहीं करता है। तो साथ ही साथ यहां पर आप देख लीजिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस पे है, किस लेवल पे, सबसे ज्यादा है 11,300 के लेवल पे ही, अभी थोड़ा सा कुछ पॉइंट इससे नीचे ही है, तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पर जो भी राइट किए हैं उनका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं इन तीन प्राइस पे है 11,350, 400 और 450 पे, उसके बाद तो निगेटिव में है। उसके बाद बैंक निफ्टी, आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर देखते हैं अभी जो हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो कितने पर क्लोज हुआ है, 22,293। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 22,300 के आसपास ये एट द मनी हो गया, ये 22,300 एट द मनी हो गया। और यहाँ पर जो ये अंदर वाले हैं ये जो आप देख सकते हैं ये इन द मनी है और ये हमारा आउट द मनी हो गया और 22,300 एट द मनी हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 11,00,000, तो 11,00,000 का कॉल राइटिंग हुआ है 22,500 पे, फिर यहाँ पर 10,00,000 हुआ है 23,000 पे। तो ये जो हमारा है वो रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो जो हमारा कॉल राइटिंग होता है वो रेसिस्टेंस का काम करता है और जो हमारा पुट राइटिंग होगा वो सपोर्ट का काम करता है। तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस कहाँ पर फेस करेगा बैंक निफ्टी, 22,500 पे। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एक मोमेंटम, इसमें तेज मोमेंटम देखने मिल सकता है। फिर यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा वो 23,000 होगा। तो कल जिस लेवल को क्रॉस नहीं करता, जैसे ये हमारा 23,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तो यहाँ पर जो भी राइट किए हैं उनका सारा का सारा कल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, सारा का सारा प्रीमियम ये जीरो हो जाएगा। जैसे 22,500 को क्रॉस करता है तो आपको एक मोमेंटम यहाँ से तेज़ी देखने मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट की बात करें, मतलब पुट राइटिंग की बात करें, ये सपोर्ट का काम करता है, ये इन द मनी हो गया आपका और ये हमारा आउट द मनी हो गया। तो इन द मनी में आप देखिएगा काफ़ी कम चेंज है, यहाँ पर देखते हैं सारा का सारा एक तरह से रिकवर हुआ है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बेयरिश था मार्केट, तो सारा यहाँ पर रिकवर हुआ है। देखते हैं सारा निगेटिव में चेंज इन OI निगेटिव है, और यहाँ पर देखिएगा चेंज इन OI सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखते जाइए तो सबसे ज़्यादा है 22,000 पे चेंज इन OI इतना है। और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर 15,00,000 का वॉल्यूम आज है,
तो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो तो आपको उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है आप उस स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हैं, या जो प्राइस रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर रहा है उस स्ट्राइक प्राइस को भी आप चुन सकते हैं कि जब वो टूटेगा तो उसमें आपको एक तेज मूवमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी, कल इसमें तेजी देखने मिल सकती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है वो पॉजिटिव है आज। चले तो हम ग्लोबल मार्केट आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल मार्केट जो संकेत दे रहा है कि कल जो हमारा है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव में ओपन हो सकता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा है जो मेजर इंडेक्स है वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड वाइड मेजर इंडेक्स जो ग्लोबल इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमारा टॉप ऊपर में देखते हैं ये चार इंडेक्स है इंडिया का, निफ्टी 50, बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, इंडिया भिक्स, तो ये चारों निगेटिव है। उसके बाद डॉ जॉन्स, एसपी, नेस्डेक, यहाँ पर देखते हैं ये सारा का सारा यूएस का इंडेक्स है, सारा पॉजिटिव है। देखते हैं 2-2% आज अप है, डॉ जॉन्स 1.87, नेस्डेक देखते हैं 2.5% अप है। तो काफ़ी ज़्यादा आज मोमेंटम देखने मिला है। हो सकता है कोरोना वायरस के वैक्सीन का गुड न्यूज हो या कोई भी न्यूज़ हो सकता है जिसके कारण काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है, तो कल हमारे मार्केट में भी तेज़ी बनी रह सकती है। और साथ ही साथ दूसरे सब देखिएगा, जैसे ब्राज़ील का बोस्पा है, इसमें भी देखते हैं 0.70% अप है ये भी। FTSE 100 ये भी देखते हैं, ये भी 1.40%, इसमें भी तेज़ी है। तो जो लगभग मेजर इंडेक्स है डेक्स है देखते हैं, ये भी तेज है। तो लगभग जो यूरोपियन इंडेक्स है ये सारा का सारा यूरोपियन इंडेक्स है, ये भी तेज़ है। तो सारे के सारे इंडेक्स में देखते हैं, यूरोपियन इंडेक्स और जो अमेरिकन इंडेक्स है सब में तेजी देखने मिल रहा है, तो कल आपको इसमें भी तेजी देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जो डॉ जॉन्स फ्यूचर है, डॉ जॉन्स फ्यूचर देखिएगा ये भी काफ़ी अप है। यहाँ पर देखते हैं ये था हमारा 27,000 पे, और 27,000 पे ओपन हो करके 27,400 पे आज चला गया 27,999, मतलब 28,000 के आसपास। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, डॉ जॉन्स फ्यूचर में आपको 600 पॉइंट के आसपास तेज़ी देखने मिल रहा है, और सारे ग्लोबल इंडेक्स भी काफ़ी मतलब पॉजिटिव हैं। तो निश्चित है कल आपका जो मार्केट होगा वो पॉजिटिव ओपन हो सकता है या पॉजिटिव मोमेंटम आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो कि किस तरह से हमारा इंडेक्स जो है मोमेंटम कर सकता है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, तो कैसे पता करें, आपको अगर मतलब मार्केट खुलने से पहले ही पता करना है कि कैसे पता करें कि हमारा मार्केट कल पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा, तो आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को, साथ ही साथ उसके जो ऑप्शन राइटिंग है उसमें जो चेंज इन ओआई है उसको भी देख सकते हैं कि किधर हमारा राइटिंग जो है अधिक हो रहा है, सपोर्ट की तरफ या रेसिस्टेंस की तरफ, किस लेवल पर हो रहा है। साथ साथ ग्लोबल मार्केट हमारा क्या है, साथ साथ जो इंडिया चाइना बॉर्डर का न्यूज़ है उसको भी आपको ध्यान रखना है, वो न्यूज़ भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो इन सारे बातों के द्वारा आप डिसाइड करते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, पॉजिटिव ट्रेंड होगा या निगेटिव ट्रेंड होगा। तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।